लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे को लेकर शिवसेना बाल ठाकरे ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई शिवसेना बाल ठाकरे के जम्मू कश्मीर प्रधान मनीष सहनी कर रहे थे। मनीष सहनी ने इस मौके पर कहा कि अब सरकार को महंगाई फाइल्स फिल्म का निर्माण भी करना चाहिए, ताकि वो लोगों को बता सके कि हम महंगाई क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव के दौरान ही महंगाई कम होती है, अन्यथा महंगाई अपने चरम सीमा पर होती है। सेना का आज हमारा यहाँ पर प्रदर्शन महंगाई को लेकर था। देखिए, पिछले 8 सालों से लगातार जनता, देश की जनता अच्छे दिनों का इंतजार कर रही थी, मगर लंबे इंतजार के बावजूद भी आज अच्छे दिन तो हमें नसीब नहीं हो रहे, मगर भूख से भरे हुए दिन जनता को नसीब हो रहे हैं। इस समय महंगाई अपने चरम पर है, मैं तो कहूँगा कि आसमान को भी चीरती हुई अंतरिक्ष तक पहुँच चुकी है। आप पेट्रोल, डीजल, गैस, घरेलू खाने के तेल, किसी भी वस्तु को उठाकर देखें, हर वस्तु के दाम इस समय पिछले 2-3 सालों के मुकाबले दुगने से तिगने हो चुके हैं। आमदनी इस समय आधी से भी कम हो चुकी है, यानी आमदनी धरातल पर पहुंच चुकी है और महंगाई इस समय आसमान पर पहुंच चुकी है। महामारी के इस दौर में जनता को जहां पौष्टिक आहार की जरूरत है, जनता की थाली से पौष्टिक आहार तो गायब हो ही चुका है, मगर आज महंगाई के कारण आम जनता को अपने परिवार के लिए 2 वक्त की भरपेट खाना खिलाना भी उनको मुश्किल हो चुका है। तो शिवसेना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करती है कि महंगाई के इस दौर में जमीनी स्तर पर जनता को राहत देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं और जनता के सीधे अकाउंट के अंदर हर परिवार के अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफर करें, ताकि वो महंगाई और महामारी के इस दौर से जनता लड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.